नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान संत के बारे में जिन्होंने ऐसे भारत के बल्कि पूरे विश्व की कई महान हस्तियों के जीवन को परिवर्तित करने में और उनके जीवन को एक सही दिशा देने में काफ़ी मदद की। वैसे तो इस लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन जो सबसे चर्चित नाम है वो हैं फेसबुक फाउंडर मार्क ज़करबर्ग, एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स और ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स। दोस्तों हमेशा एक कंबल में रहने वाले नीम करोरी बाबा से जुड़ी हुई ऐसी कई किस्से कहानियां हैं जो कि आज की आधुनिक युवा पीढ़ी को असंभव प्रतीत हो, लेकिन वो लोग आज भी मौजूद हैं जिन्होंने इन घटनाओं को काफ़ी नज़दीक से महसूस किया और जिनके सामने यह घटनाएं घटित हुई। उन्हीं के इंटरव्यूज़ पर यह वीडियो आधारित है। सन 2015 भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के टूर पर जाते हैं। इसी दौरान फेसबुक फाउंडर मार्क ज़करबर्ग के साथ पूरी मीडिया के सामने एक लाइव इंटरव्यू होता है। इसमें मार्क ज़करबर्ग अपनी कंपनी के इंडिया कनेक्शन के बारे में बताते हैं। When before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company. I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. Mark Zuckerberg कहते हैं कि भारत देश हमारी कंपनी के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरी एक कहानी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कंपनी की शुरुआत में एक समय ऐसा था जब कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था। मैं पूरी तरह से परेशान हो चुका था। कई लोग थे जो फेसबुक को खरीदना चाहते थे और हमें भी लगने लगा था कि अब हमें फेसबुक को बेच देना चाहिए। इन खराब परिस्थितियों में मैंने मेरे मार्गदर्शक एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स से मिलना उचित समझा। मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने कहा, अगर तुम दुनिया से जुड़ना चाहते हो जो तुम्हारी कंपनी का मकसद भी है तो तुम्हें भारत के एक मंदिर जरूर जाना चाहिए। स्टीव जॉब से प्रेरणा मिलने के बाद मार्क ज़करबर्ग अमेरिका से भारत उस मंदिर में आते हैं जिसके बारे में स्टीव जॉब्स ने उनसे चर्चा की थी। यह मंदिर था नीम करोली बाबा का आश्रम कैंची धाम। मार्क ज़करबर्ग यहाँ पर एक दिन रुकने की योजना बना कर आए थे, लेकिन वो यहाँ दो दिन तक रुके। ज़करबर्ग बाबा की समाधि के सामने बैठे रहते, इंग्लिश में लिखी हुई हनुमान चालीसा का जप करते और दिन भर ध्यान में मगन रहते। इसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि फेसबुक के जरिए वो दुनिया को जोड़ने का कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को अगर वो इसी तरह जारी रखते हैं तो पूरे विश्व में कितने महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने निर्णय लिया कि वो फेसबुक को कभी नहीं बेचेंगे और अपने इस विचार के साथ वह भारत से अमेरिका आते हैं और फेसबुक को उन बुलंदियों तक पहुँचाने में लग जाते हैं जहाँ पर वो आज है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि आखिर स्टीव जॉब्स ने भारत के इस मंदिर का जिक्र मार्क ज़करबर्ग से क्यों किया? आखिर ऐसी क्या घटना स्टीव जॉब्स के साथ घटी थी जिसकी वजह से परेशान मार्क ज़करबर्ग को देखकर इस मंदिर की याद स्टीव जॉब्स को आन पड़ी? दरअसल जब एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स युवा थे तो वो भी कुछ इसी तरह की परेशानियों से गुजर रहे थे। उनका मन पूरी तरह से अशांत हो चुका था। उनके मस्तिष्क में योजनाएं तो कई थी, लेकिन कौन सी योजना सही है, कौन सी गलत है, किससे सफलता हाथ लगेगी, किससे असफलता हाथ लगेगी, किस योजना से कितना नुकसान होगा, इस तरह के सवालों से वो पूरी तरह से परेशान हो चुके थे और वो यह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि वो आगे जीवन में कौन से कदम उठाएं। तो ऐसे में उनके एक मित्र ने उन्हें भारत जाने की और वहाँ बाबा नीम करोली से मिलने की सलाह दी, लेकिन जब तक वे वहाँ पहुँचते नीम करोली बाबा हमेशा के लिए समाधि में लीन हो चुके थे। लेकिन बाबा की सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा वहाँ अभी भी मौजूद थी, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ नीम करोली बाबा ने 18 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। स्टीव जॉब्स वहाँ कई दिनों तक रुके रहे, जिससे उनका मन तो शांत हुआ ही और साथ में उन्हें अपनी परेशानी का हल भी मिल गया।
इसके बाद जब वह अमेरिका पहुंचते हैं तो उन्हें जानने वाले लोग उन्हें देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक बोध में परिवर्तित हो चुके हैं। ऐसा लगा कि यह कोई और ही स्टीव जॉब्स है। उनके बाल कटे हुए थे और चेहरा पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इसके कुछ समय बाद ही स्टीव जॉब्स एप्पल का पहला कंप्यूटर लॉन्च कर देते हैं, जिससे पूरे विश्व में तहलका मच जाता है। सफलता मिलने के बाद भी स्टीव जॉब्स कैंची धाम को नहीं भूले। उन्होंने इसके बारे में मार्क जकरबर्ग को तो बताया ही, साथ में आश्रम की समाज सेवी संस्था सेवा फाउंडेशन, जो कि अंधे लोगों के लिए समाज सेवा का कार्य करती है, उसको प्रारंभ करने में भी अपनी तरफ से काफी आर्थिक मदद प्रदान की। दोस्तों, नीम करोरी बाबा के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन है नीम करोरी बाबा, जिनके सामने ताकतवर देशों के उस शिखर पर बैठे हुए लोग भी सर झुकाते हैं। तो अब जानते हैं कि आखिर कैसा था नीम करोरी बाबा का जीवन, जिन्हें कुछ लोग हांडी वाले बाबा, कुछ लोग त्रिकोणिया बाबा, कुछ लोग चमत्कारी बाबा, तो कुछ लोग उन्हें साक्षात हनुमान जी का अवतार कहते हैं। नीम करोरी बाबा का पूर्व नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्थान था उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद। इनकी माता का नाम था श्रीमती कौशल्या देवी तथा पिता का नाम था श्री दुर्गा प्रसाद। इनके माता पिता बहुत ही सहज, सरल और आस्थावान ब्राह्मण थे। उनकी माता का देहांत बाल काल में ही हो गया था। उस समय बाबा की उम्र थी मात्र 8 वर्ष। इसके बाद 11 वर्ष की आयु में एक कन्या के साथ उनका विवाह करवा दिया गया। धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण शर्मा को यह समझ आने लगा कि उनके जीवन के मकसद की प्राप्ति यहाँ से पूर्ण नहीं हो सकती, और मात्र 13 वर्ष की आयु में बाबा अपना घर त्याग कर देते हैं। इसके बाद 10 वर्षों तक वह जगह जगह घूमते रहे। इसी दौरान वो गुजरात पहुंचे, जहां एक भवनिया मोरवी नाम के गांव में स्थित एक तालाब के पास बैठकर उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। यहां लोग उन्हें तलैया वाले बाबा कहकर पुकारने लगे। बाबा घंटों तक तालाब के पास बैठकर हनुमान जी का ध्यान करते और भक्तों को आशीर्वाद देते। इसके बाद बाबा उत्तर प्रदेश के एक गाँव नीम करोरी पहुंचे। यहाँ पर भी बाबा के चमत्कारों की चर्चा और भक्तों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी, और गांव वालों ने कैसे न कैसे करके बाबा को यहाँ रुकने के लिए मना लिया। यहाँ पर बाबा के तप करने के लिए गांव वालों ने एक गुफा का निर्माण भी कर दिया। बाबा इस गुफा में हनुमान जी की कठिन तपस्या करते, जिससे बहुत ही कम वह बाहर आते और बिना उनकी इजाजत के कोई भी अंदर नहीं जाता। बाबा बहुत ही कम बोलते, परंतु जब भी बोलते वो सत्य हो जाता। बाबा ने इसी गांव में हनुमान जी की एक प्राण प्रतिष्ठित स्वरूप की स्थापना की। स्थापना के समय बाबा ने अपने बालों का त्याग कर दिया, लंगोट की जगह धोती धारण कर ली। इसके बाद बाबा ने लोगों को अध्यात्म का ज्ञान देना और लोगों की भलाई के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और यहीं से लक्ष्मण दास बाबा नीम करोरी बाबा नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर नीम करोरी बाबा ने 18 वर्षों तक तप किया और इसी के साथ कई चमत्कार भी किए। बाबा हमेशा दुनिया की चकाचौंध से दूर एक कंबल में बैठे रहते और भक्तों को आशीर्वाद देते। भक्त बाबा के दर्शन को आते, जिनमें से कुछ अपनी समस्याओं का समाधान पाने के बाद बाबा के आशीर्वाद के साथ प्रसन्न होकर लौट जाते, तो कुछ बाबा की भक्ति में लीन होकर यहीं रुक जाते। जैसे कि रामदास, जिनका पूर्व नाम था रिचर्ड अल्पर्ट, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। कृष्णदास, जिनका नाम था जेफरी केगल, जो कि अमेरिका में एक फेमस सिंगर थे और ग्रैमी अवार्ड तक के लिए नॉमिनेटेड हो चुके थे। यह सब नाम बाबा द्वारा ही इन्हें दिए गए थे। बाबा अपने किसी भी भक्त के साथ भेदभाव नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे सिख हो या ईसाई, चाहे भारतीय हो या गैर भारतीय। बाबा की दृष्टि में सभी समान थे, और सभी के साथ बाबा की कोई ना कोई चमत्कारी और रोचक कहानी जुड़ी हुई है, जिनके बारे में बात हम हमारी आगे आने वाली वीडियोस में जरूर करेंगे। 18 वर्ष नीम करोरी में तपस्या करने के बाद बाबा घूमते हुए वृंदावन आ गए। इसी दौरान देश भर में बाबा ने 108 हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण करवाया। सन 1973 में राम नाम का जप करते हुए बाबा वृंदावन की पावन भूमि में महासमाधि में लीन हो गए और छोड़ गए राम नाम का वो नाम जो आज भी उनके मंदिरों में गूंजता है। बाबा की दिव्य ऊर्जा आज भी उनकी तपोभूमि पर भक्तों को महसूस होती है, जो आज भी लोगों के जीवन को दिशा देने का कार्य कर रही है, चाहे वो जीवन किसी आम व्यक्ति का हो, चाहे किसी बड़ी कंपनी के मालिक का। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे और भी वीडियोस नीम करोरी बाबा के ऊपर बनाएं, क्योंकि ऐसी और भी रोचक और सच्ची घटनाएं हैं जो कि नीम करोरी बाबा से जुड़ी हुई है,
अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगा तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे कार्य को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे भारत के इस महान संत की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। राम बोलो, राम बोलो, बोलो बोलो राम, राम बोलो।